जी, जय श्री राधे। पहले तो आप सभी को दिल की गहराइयों से समस्त जनता का हम स्वागत करते हैं। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए हम माता त्र्यंबकेश्वरी मंदिर में भंडारे का आयोजन करवा रहे हैं। तो हम समस्त जनता से को बताना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में कौन कौन से प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माँ त्र्यंबकेश्वरी मंदिर समीप रोजा फैक्ट्री के प्रांगण में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का प्रोग्राम मनाया जाएगा। आप सभी मित्रगण परिवार सहित आदर आमंत्रित हैं, पधार कर पुण्य के भागी बने। तो जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। सोमवार 30 अगस्त 2021 दौड़ प्रतियोगिता बॉय गर्ल अंडर 16 7 बजे प्रातः होगी। बैडमिंटन बॉय गर्ल अंडर 16 से 19 7:30 बजे प्रातः। दीप प्रज्वलित 7 बजे सायं। फैंसी ड्रेस 7:15 बजे सायं। मेहंदी चित्रकला कृष्ण मोर गाय 2:15 पे सायं के समय होगी। निबंध लेखन पर्यावरण प्रदूषण से जंग, जीवन में योग का महत्व, राष्ट्रीय एकता, भारत भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बने, आखिर में ये बेसहारा गाय कहाँ जाए। ये सवाल तो हमारा सरकार से भी है कि ये बेसहारा गाय कहाँ से जाए, तो इसके ऊपर भी निबंध लेखन किया जाएगा। भजन संध्या जागरण शाम 8 बजे से इसकी शुरुआत की जाएगी। मंगलवार 31 अगस्त 2021 को भंडारा आरंभ हो जाएगा 2 बजे सायं। पुरस्कार वितरण 5 बजे सायं। श्रेष्ठ पशुपालकों को सम्मानित भी किया जाएगा, जो हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने अच्छे पशु रखे हुए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा श्री रघुनाथपुरा नारायण सेवा समिति के तहत। आयोजक श्री रघुनाथपुरा नारायण सेवा समिति रघुनाथपुरा जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश एवं युवक मंडल जबली तथा समस्त जनता कोरोना संबंधी सभी नियमों का पालन करें, वो मास्क के बिना कार्यक्रम में अनुमति नहीं होगी। ये हमारा सभी भाइयों को हमारा सुझाव है कि सभी भाई मास्क लगा के ही भंडारे में आए। तो हम समस्त जनता से अनुरोध करते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर अपनी भागीदारी दें और इस भंडारे को सफल बनाएं। जय माता की, जय शिवाजी।